फिर एक बार सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, मैं भूषण नाइक, मेरे सहयोगी कमेंटेटर सर अशोक नाइक और नीलेश पारसेकर जी के साथ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से प्यार भरा नमस्कार। और एक हमारे बेहतरीन कमेंटेटर जो कि यहाँ पर हर एक प्रतियोगिता में हमें यहाँ पर साथ देते हैं, हमारे साथ, जो कि वो सतीश शिरोडकर, वो भी हमारे साथ यहाँ पर कॉमेंट्री का साथ निभाते हुए। टेनिस बॉल क्रिकेट की एक बड़ी प्रतियोगिता जो कि यहाँ पर गोवा राज्य की इस मैदान के भीतर tenniscricket.in के माध्यम से YouTube पर लाइव प्रसारण जो कि गौरव सावंत और निखिल कांबली काम निभाते हुए। मुकाबला यहाँ पर रोमांचक इस मैदान पर होने की संभावना, दर्शकों की आशा और निश्चित रूप से दो बड़े टीमें यहाँ पर आमने सामने इस प्रतियोगिता के दौरान। धीरज नायन वर्सेस डायनामिक यूथ, और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला सफल होगा नहीं समय तय करेगा। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज जो कि धीरज नायन की ओर से समर्थ और यहाँ पर सैंडी। मैच शुरू होने का आगाज जो कि अंपायर का हमारी ओर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर अक्षय पहली गेंद लेकर पहले ओवर की गेंद और बल्ले का संघर्ष। शॉर्ट पेज गेंद पुल कर दिया यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी को चीर कर चली गई सीमा रेखा पार, 6-4 रन का इजाफा। पहली गेंद पर चौकार। गेंद पर समर्थ जो कि बेहतरीन बल्लेबाज, इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया। स्क्वायर क्षेत्र में रनआउट का मौका यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छोड़ दिया। गलती यहाँ पर जरूर तुषार से होती हुई, रनआउट का मौका था यहाँ पर जरूर, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन डॉट गेंद स्कोरबोर्ड के ऊपर, 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर पहला ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। कांटे की टक्कर, हौसले बुलंद दोनों टीमों के मैदान के भीतर, और देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा यह मुकाबला। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक गेंद को खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑफ मिड ऑन क्षेत्र में, पहला रन मुकम्मल किया। पहले प्रयास में खिलाड़ी की गलती, और गलती की मोहर यहाँ पर जरूर एक रन के लिए लगती हुई, और एक रन के साथ छोर बदलता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या 5 रन यहाँ पर बिना विकेट के नुकसान पर। तमाम दर्शकों के बीच एक रोमांचक मुकाबला जो कि होने की संभावना, हाई वोल्टेज मुकाबला जिसे कहा जाता है यहाँ पर हर एक प्रतियोगिता में, वही होने की संभावना मैदान के भीतर। धीरज नाइन टीम जो कि CPL के प्रतियोगिता में, उनका प्रदर्शन देखा हमने यहाँ पर, बढ़िया प्रदर्शन, देखने वाली बात हो गई, वही आशा दर्शकों को मैदान के भीतर। फिर एक बार जो कि रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, गलती होती हुई, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर लगती हुई स्कोरबोर्ड के ऊपर, और रन संख्या जो कि 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, लाजमी गेंदबाजी इस गेंदबाज की ओर से यहाँ पर होती हुई। अक्षय जो कि फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, रिवर्स स्वीप यहाँ पर पहले ही मन बना लिया था यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलेंगे, लेकिन एक बेहतरीन गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने के लिए मिलती हुई इस अक्षय नामक इस गेंदबाज की ओर से। बल्ला खामोश अभी भी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का, जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज की हैसियत से समर्थ और सैंडी मैदान के भीतर बल्लेबाजी के लिए। और की अगली गेंद थोड़ी सी स्लोअर, वन गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे, यहाँ पर थोड़े से चूकते हुए पहला रन मुकम्मल किया यहाँ पर लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद, एक रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई यहाँ पर 6 रन। 6 गेंदों का खेल लगभग समाप्त होता हुआ, मतलब पहली ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी, लेकिन 6 गेंदों के समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि यहाँ पर 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। फिलहाल यहाँ पर ओवर टू DJ।
लो स्कोरिंग का मुकाबला मनोज नार्वेकर जो कि हीरो उस मुकाबले के एक शानदार बल्लेबाजी उनकी ओर से यहाँ पर एक 32 रन का एक बेहतरीन योगदान यहाँ पर मनोज नार्वेकर की ओर से पिछले मैच में देखने के लिए मिला। वही आशा यहाँ पर मैदान के भीतर दर्शकों को इस मुकाबले में बल्लेबाजों की ओर से। बेहतरीन गेंदबाजी पहले 6 गेंदों में यहाँ पर अक्षय नामक गेंदबाज की ओर से 6 रन यहाँ पर बिना विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी। निश्चित रूप से बड़े शॉट की आवश्यकता यहाँ पर धीरज नाइन टीम को एक फाइटिंग टोटल खड़ा करना हो तो यहाँ पर वही प्रयास, वही इरादा, वही क्षमता वाले खिलाड़ी दोनों मैदान के भीतर प्रयास करते हुए, लेकिन सपना और हकीकत में सिर्फ प्रयास का अंतर, वो पार करने की आवश्यकता इन दोनों बल्लेबाजों को। दूसरा ओवर प्रगति पर और गेंदबाज स्विनित गेंदबाजी के मोर्चे पर, निजी कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा। इस बार बेहतरीन शॉट यहां पर गेंद को खेल दिया, यहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद बाज की नजर लगाए बैठे हुए। दूसरे रन की तमाम शंका को समाप्त कर दिया, एक रन के साथ छोर बदलती, स्ट्राइक यहां पर बदलती हुई और रन संख्या जो कि 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। समर्थ जो कि स्ट्राइक गेंद पर, इस खिलाड़ी में बड़े शॉट की क्षमता, वही स्ट्राइक गेंद पर आता हुआ। और क्या अगली गेंद यहाँ पर जड़ में डाली हुई, खेलना चाहते थे यहाँ पर जरूर। कीपर की गलती होती हुई और गलती की मोहर जरूर एक रन के लिए लगती हुई। 2200 एक रन मिलता हुआ और एक रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई 8 रन। एक्के दुक्के के साथ रन संख्या दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ाते हुए, लेकिन बड़े शॉट के लिए यहाँ पर तरसना पड़ता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। बेहतरीन गेंदबाजी इस स्विनित नामक इस गेंदबाज की ओर से। 2 गेंदों का खेल मात्र समाप्त होता हुआ, 4 गेंदों का खेल दूसरे ओवर का अभी भी शेष। काटी की टक्कर कही जाएगी मैदान के भीतर। फुल टॉस गेंद यहां पर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का सही तरह संपर्क नहीं यहां पर, लेकिन एक रन के लिए जाती हुई गेंद यहां पर विदल ऑन द कारपेट। एक रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई यहां पर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, हौसले दोनों टीमों के बुलंद, यहां पर अनिश्चितताओं से भरा क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ। इस बार बेहतरीन गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट थोड़ी सी नीची रहती हुई, विकेटों को हवा डालते गेंद चली गई विकेट कीपर की दस्तानों में और विकेट कीपर अपना काम पूरा करते हुए रन संख्या जो कि रुकती हुई यहाँ पर 9 रन पर बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। निश्चित रूप से अगर 5 ओवर की बात की जाए तो यहाँ पर 50 के आगे रन संख्या बनाना बेहद जरूरी, वही प्रयास दोनों बल्लेबाजों का, लेकिन लाजमी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी इन दोनों बल्ले गेंदबाजों की ओर से यहाँ पर होती हुई। अक्षय पहली ओवर लेकर और दूसरी ओवर लेकर जो कि पहली इनिंग की यहाँ पर स्विनित गेंदबाजी करते हुए। फिलहाल क्या होगा अगले कुछ गेंदों में यहाँ पर समय तय करेगा, लेकिन स्ट्राइक एंड पर समर्थ बल्लेबाजी करता हुआ, उसका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर सैंडी मैदान के भीतर। देखने वाली बात होगी एक आध दूसरे बड़े शॉट की आवश्यकता, निश्चित रूप से वही इरादा। और यहाँ पर फिर एक बार खेल दिया, कैच का मौका, खिलाड़ी गेंद के नीचे आसान से कैच यहाँ पर छोड़ता हुआ, ये खिलाड़ी यहाँ पर नवनीत नामक ये खिलाड़ी कैच छूटता हुआ, और कैच छूटने की मोहर जरूर एक रन के लिए लगती हुई। कहा जाता है हर एक प्रतियोगिता में ले लो कैच और जीतो मैच, लेकिन छोड़ो कैच हारो मैच, यही भी कहा जाता है। अगर कैच छोड़ोगे परिणाम आपको अगले कुछ गेंदों में भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन कैच छूटता हुआ रन संख्या जो कि 1 से आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई 10 रन। 12 रन, मतलब 5 की औसत से रन रेट जो कि चलता हुआ 2 ओवर के समाप्ति के बाद। 12 गेंदों के समाप्ति के बाद 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल बाकी। निश्चित रूप से हर एक गेंद पर प्रहार की आवश्यकता, वही इरादा, वही हौसला दोनों बल्लेबाजों का मैदान के भीतर। सफल होगा या नहीं फिलहाल समय तय करेगा, लेकिन नया गेंदबाज जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर आता हुआ बॉलर गुलू जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। फील्डिंग में बदलाव लगातार होता हुआ, 18 गेंदों का खेल बाकी। निश्चित रूप से आक्रामकता ही बचाव का साधन दोनों बल्लेबाजों के सामने। अगर बड़ा फाइटिंग टोटल खड़ा करना हो तो यहां पर डायनेमिक यूथ टीम के सामने। और क्या अगली गेंद, तीसरे ओवर की यह पहली गेंद, निजी कोटे का पहला और टीम की ओर से
तीसरा इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया होम अगेन, गेंद सीधी यहां पर वन बाउंस सीमा रेखा पार, सन्नाटेदार चौका जो कि बहुत देर बाद यहां पर इस रन मच स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर। और क्या अगली गेंद तीसरे ओवर की प्रगति पर, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, फिर एक बार गेंद का उसी दिशा में जाती हुई लेकिन गेंद यहां पर सीमा रेखा पार, तूफानी छह रन का इजाफा, 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर, और रन संख्या जो कि यहां पर आगे बढ़ती हुई बहुत देर बाद। बेहतरीन गेंदबाजी इस समर्थ नामक इस बल्लेबाज के ओर से। तमाम दर्शकों के बीच एक रोमांचक मुकाबला मैदान के भीतर देखने के लिए मिलता हुआ, सभी दर्शकों का मनोरंजन, छक्के चौकों की बरसात इस मैदान के भीतर। और पिछला मैच जो कि एक रोमांचक मुकाबला, पॉलिटिक्स नाइट जो कि CPL 7 की रनर अप जीती हुई, फुल टॉस गेंद बक्सा नहीं जाएगा, हवाई फायर तूफानी मेल सुल्तानी छक्का, जो कि बल्लेबाजी संकट मोचक बनकर मैदान के भीतर। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, लॉकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, यहां पर मुकम्मल किया पहला रन और दूसरे रन की तमाम शंका को समाप्त कर दिया, एक रन के साथ छोर बदला स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या जो कि यहां पर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड के ऊपर लगती हुई। देखने के लिए यहाँ पर जो जीतेगा जरूर अगले राउंड में अगले मुकाबले में जाएगा, लेकिन हारेगा उसका सफर इस बड़े प्रतियोगिता का रुकेगा, समाप्त होगा। दर्शकों में यहाँ पर उत्साह बढ़ते जाता हुआ कि कौन जीतेगा ये मुकाबला, कांटे की टक्कर जो कि मैदान के भीतर। फिर एक बार जो कि शॉर्ट पिच गेंद, बैट का चुम्मा लेकर गेंद चली गई, पहले प्रयास में खिलाड़ी की गलती और दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी रन यहाँ पर पूरा होता हुआ। अंपायर का इशारा जरूर यहां पर फ्री हिट का आता हुआ, नो बॉल जरूर यहां पर गेंदबाज को ओर से, और फ्री हिट का यहां पर चांस जो कि सैंडी नामक बल्लेबाज को, निश्चित रूप से एक महंगा ओवर डायनामिक यूथ की ओर से। यहां पर रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई 12 गेंदों के समाप्ति के बाद यहां पर रन संख्या 10 रन पर थी, लेकिन इस ओवर में अभी तक 20 रन आते हुए तीसरे ओवर में, और रन संख्या जो कि 30 रन पर पहुंची बिना विकेट के नुकसान पर सैंडी जो कि स्ट्राइक एंड पर। फ्री हिट का चांस जरूर होगा इस बल्लेबाज को। तमाम दर्शकों के बीच रोमांचक मुकाबला, एक साउथ गोवा की बड़ी प्रतियोगिता, और दूसरी मरतबा हम यहां पर कमेंट्री बॉक्स में हमारी आवाज, जो कि पिछला एक प्रतियोगिता नाइट टूर्नामेंट हुई थी जो कि यहां पर CPL 7 गजब के मुकाबले कई बार हमने देखे उस प्रतियोगिता में, और PHC भाली टीम उस प्रतियोगिता की विजेता रही थी, रनर अप यहाँ पर पॉलिटिक्स 9, और देखने वाली बात होगी इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहता है। फ्री हिट का चांस यहाँ पर जरूर, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को खेल दिया यहाँ पर काउ कॉर्नर क्षेत्र में, पहला रन मुकम्मल किया, खिलाड़ी वहां पर बाज की नजर लगाए बैठे हुए, और एक रन के साथ छोर बदल दा स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या जो कि 31 रन यहां पर, मतलब अभी तक 21 रन यहां पर तीसरे ओवर में आते हुए इस गुलू नामक गेंदबाज के समर्थ जो कि स्ट्राइक गेंद पर। संकट मोचक पारी खेलने की क्षमता इस खिलाड़ी में, रन मशीन जिसे कहा जाता है धीरज 9 टीम की, वही समर्थ प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के भीतर, गजब की बल्लेबाजी, बैक टू बैक फायर लगाता हुआ, और निश्चित रूप से और क्षमता वही इरादा लेकर फिर एक बार जो कि स्ट्राइक गेंद पर आता हुआ समर्थम। गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार स्विनित, 31 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर।
फुल टॉस गेंद सीधी बल्ले से गजब का स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच का मौका और कैच लेने में अब कोई गलती नहीं। समर्थ की ये आतिशबाजी समाप्त, डेंजर मैन वापस, पहला झटका जो किया पर धीरज नाइन टीम को, ओवर टू डीजे। अभी 12 गेंदों का खेल बाकी, निश्चित रूप से यहाँ पर एक आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी का इरादा दोनों बल्लेबाजों का। 12 गेंदों में क्या होगा फिलहाल समय तय करेगा। यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव लगातार होता हुआ और निजी कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर फिर एक बार जो कि स्विनी तो गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी करता हुआ। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, तमाम दर्शकों के बीच एक रोमांचक मुकाबला, पिछला मुकाबला जो कि हाई वोल्टेज मुकाबला उसी तरह का मुकाबला होने की संभावना, दर्शकों की आशा यहां पर मैदान के भीतर अगले मुकाबले में। और की अगली गेंद, चौथे ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, यहां पर गजब का स्ट्रोक, हवाई फायर, तूफानी मेल, दंडलाता सनसनाता खनखनाता छक्का जो कि आते ही शेर की दाढ़ी इस खिलाड़ी के बल्ले से और 6 रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई 37 रन। के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी चौथे ओवर का खेल किस तरह से रहता है। स्विनित फिर एक बार, इस बार बेहतरीन बैट का चुमा लेकर गेंद यहां पर खिलाड़ी के हाथ में और इस खिलाड़ी की यह पारी समाप्त, दूसरा झटका जो कि यहां पर धीरज नाइन टीम को 37 रन पर। डीजे उजो करते हैं हर एक प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी का, वही प्रवीण मैदान के भीतर एक बेहतरीन बल्लेबाज जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट का एक लंबा अनुभव होने वाला ये खिलाड़ी क्षमता, कई बार इस खिलाड़ी के हमने बल्लेबाजी आतिशी पारी देखी है, वही आशा दर्शकों को इस प्रतियोगिता में इस मुकाबले में और देखने वाली बात होगी किस तरह की बल्लेबाजी करता है ये खिलाड़ी प्रवीण जो कि यहाँ पर स्ट्राइक गेंद पर नया बल्लेबाजी करता हुआ। स्विनित जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, चौथे ओवर की 2 गेंदों का खेल समाप्त, रन संख्या जो कि 37 पर रुक पड़ी यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का मुकाबला निश्चित रूप से यहाँ पर 50 के आगे रन संख्या बनाना बेहद जरूरी, धीरज नाइन टीम को वही इरादा वही हौसला वाले बल्लेबाज मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए। और की अगली गेंद चौथे ओवर की, इस बार गजब का स्ट्रोक, कहने की देरी लेकिन गेंद यहां पर खिलाड़ी के हाथ में और तीसरा विकेट का पतन। डीजे उजो
37 रना 3 विकेट के नुकसान पर और दो झटके देने में बैक टू बैक कामयाब गेंदबाज ऑन हैट्रिक चांसेस गेंदबाज को स्विनित नामक और देखने वाली बात होगी हैट्रिक करता है या नहीं यहां पर हौसला बुलंद दोनों बल्लेबाजों का और गेंदबाजों का मैदान के भीतर ऑन हैट्रिक चांस और नया बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक गेंद पर दो गेंदों में दो विकेट और चौथे ओवर की चौथी गेंद लेकर ऑन हैट्रिक यहां पर गेंदबाज स्विनित इस बार जड़ में डाली हुई गेंद यहां पर जरूर जोरदार अपील होता हुआ भरोसा काम लेकिन रनआउट के रूप में यहां पर मछली जाल में फंसती हुई और यहां पर चौथे विकेट का पतन स्विनित जो कि गजब की गेंदबाजी करता हुआ अपनी टीम के लिए 37 रन पर रन संख्या तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर और स्विनित जो कि यहां पर बढ़िया कामगिरी अपनी टीम के लिए बैक टू बैक विकेट लेने में कामयाब रन मशीन यहां पर रन गति यहां पर रुकती हुई धीरज नाइन टीम की देखने वाली बात होगी अगले कुछ गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है फिलहाल समय तय करेगा गेंदबाज फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर इस बार जड़ में डाली हुई गेंद खेल दिया यहाँ पर रनआउट का मौका जरूर होगा पहले प्रयास में जरूर यहाँ पर कॉलोत्रों में गलती की यहाँ पर स्विनित ने और एक रन जरूर निकालते हुए अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित एक रन के साथ छोर बदलता हुआ और रन संख्या जो कि यहाँ पर 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर तमाम दर्शकों के बीच एक रोमांचक मुकाबला यहाँ पर अब हार की जंजीर नहीं बल्कि जीत का गुलाल होगा ये इरादा गेंदबाजों का और बल्लेबाजों का किसका सफल होगा जो जीतेगा सिकंदर कहलाते हुए अगले राउंड में जाएगा लेकिन हारेगा उसका इस साउथ गोवा के प्रतियोगिता का सफर रुकेगा समाप्त होगा प्रयास दोनों टीमों की ओर से लगातार हौसले बुलंद कांटे की टक्कर अनिश्चितताओं से भरा क्रिकेट इसलिए अंतिम गेंद जब डाली न जाए कमेंट्री बॉक्स की ओर से भाकित करना सही नहीं समझते स्विनित जो कि गजब की गेंदबाजी शानदार गेंदबाजी इस गेंदबाज की ओर से यहां पर बल्ला खामोश बड़े बड़े बल्लेबाजों का 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 38 धावा चार गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावर इस बार बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे यहां पर सीधी बल्ले से चली गई गेंद गुनगुनाते सीटी बजाते विकेट कीपर की दस्तानों में और रन संख्या जो कि 38 रन पर रुकी हुई चार विकेट के नुकसान पर चार ओवर का खेल समाप्त मतलब 24 गेंदों का खेल समाप्त अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या 38 रन चार विकेट के नुकसान पर तब तक ले चलता हूं डीजे उजो रन चार विकेट के नुकसान पर यहां पर और 6 गेंदों का खेल बाकी पहले इनिंग का धीरज नाइन वर्सेस डायनामिक यूथ के बीच में एक रोमांचक एक रण संग्राम जो कि मैदान के भीतर इस प्रतियोगिता के दौरान जो कि साउथ गोवा के फिर एक बार आखिरी ओवर की पहली गेंद रिवर्स स्वीप यहां पर खेल दिया गेंद यहां पर सीमा रेखा पार सन्नाटेदार छक्का 6 रन का इजाफा हवाई फायर तूफानी मेल गजब का छक्का दुनिया में कोई भी नहीं उसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही परियों की रानी
बाकी जाए पर अफ्रीका के अपर एबी डी विलियर्स टेनिस बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो जुबा पर याद पहले करते हो सनम सालगांवकर गोवा राज्य हो या सिंधुदुर्ग जिले में, लेकिन हर एक प्रतियोगिता में कई बार गेंद बल्लेबाजों की ओर से खेला जाता है। ये यहाँ पर रिवर्स स्वीप का शॉट, एक रन और एक रन के साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई पहुंचती हुई यहाँ पर 44 रन। आखिरी ओवर जो कि प्रगति पर पहले इनिंग का गेंदबाज के मोर्चे पर मानू फिर एक बार कुछ गेंदों का खेल अभी भी शेष। लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि स्ट्राइक गेंद पर 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी यहां पर धीरज 19 पहले बल्लेबाजी टॉच हार कर करते हुए इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर चीते की रफ्तार से झपट पड़े जब तक थ्रो करते उठाते यहां पर एक रन निकालते हुए और एक रन के साथ रन संख्या जो कि यहां पर 46 रन पर स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। एक आध दूसरे बड़े शॉट की दरकार आशा जो कि धीरज 9 टीम के सभी खिलाड़ियों को वही इरादा वही हौसला लेकर स्ट्राइक एंड पर नया बल्लेबाज आता हुआ समता इस खिलाड़ी में बड़े शॉट की, लेकिन लाजमी गेंदबाजी इस मानू नामक गेंदबाज की ओर से 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार जो कि रिवर्स स्वीप का शॉट गजब का स्ट्रोक हवाई फायर फिर एक बार दंडनाता सनसनाता छक्का जो कि इस बल्लेबाज की मदद से निकलता है। अपना वजीर गया तो क्या हुआ, एक प्यादी भी पूरा मुकाबला बदलाव कर सकती है, यही इरादा लेकर बल्लेबाज बल्लेबाजी करता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या जो कि चल पड़ी यहां पर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार जो कि गेंदबाज आखिरी ओवर इनिंग का हर एक गेंद पर प्रहार की आवश्यकता निश्चित रूप से क्षमता इस खिलाड़ी में रिवर्स स्वीप हो या स्ट्रेट ड्राइव शॉट हो बल्लेबाजी करता हुआ। फिर एक बार जो कि रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास जरूर पर रन लेना चाहते थे और यहाँ पर अपने पॉपिंग क्रीज में जरूर सुरक्षित पहला रन निकालते हुए दूसरे रन की शंका समाप्त होती हुई और एक रन के साथ रन संख्या जो कि 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर इनिंग का प्रगति पर 5 ओवर का मुकाबला और धीरज 9 वर्सेस डायनेमिक यूथ के बीच में चलता हुआ मनोरंजन छक्के चौकों की बरसात यहाँ पर मैदान के भीतर देखने वाली बात होगी। क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम फिलहाल समय तय करेगा और गेंदबाजी में मोर्चे पर फिर एक बार शॉर्ट पेज गेंद बख्शा नहीं जाएगा बैकग्राउंड स्क्वायर लेके एरिया में एक गजब का छक्का जो कि आखिरी गेंद पर लगाकर यहां पर एक अपने आक्रामकता का आगाज कायम रखता हुआ ये खिलाड़ी और रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर रन 59 रन। कर पहले फील्डिंग का फैसला सफल होगा या नहीं यहाँ पर दूसरे इनिंग के बाद पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 60 रन का एक सम्मानपूर्वक एक बड़ा टारगेट जो कि यहाँ पर धीरज 9 टीम की ओर से डायनेमिक यूथ टीम के सामने 5 ओवर में मतलब 30 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ पर 60 रन की जरूरत है। जो जीतेगा जरूर अगले राउंड में जाएगा, प्रयास दोनों टीमों की ओर से लगातार दर्शकों में उत्साह बढ़ते जाता हुआ कौन जीतेगा ये मुकाबला तमाम दर्शकों के बीच एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। पहले इनिंग का खेल समाप्त जीतने के लिए 60 रन की जरूरत यहाँ पर मैदान के भीतर, कौन जीतेगा ये मुकाबला यहाँ पर क्या होगा दूसरे इनिंग में। पहले इनिंग के नक्श कदम के ऊपर दूसरे इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी होगी या यहाँ पर गेंदबाज अपना काम निभाएंगे देखने वाली बात होगी। ये बताने के लिए फिर एक बार मेरे सहयोगी कमेंटेटर सर अशोक नाइक के हाथ में ये माइक्रोफोन लेता हूँ और मैं भूषण नाइक सभी दर्शकों की दूसरे इनिंग से आपकी विदा लेता हूँ, धन्यवाद।
जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी वो तुषार, और उनका साथ देने के लिए आज बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हुए, गुलू दिखाई देते हुए जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी, बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी करते हैं, वो गुलू जो कि स्ट्राइक एंड पर 60 रन प्रति ओवर 12 रनों की आवश्यकता। यूथ ऑफ कुंकोलिम स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का ये मुकाबला कल जो कि इस प्रतियोगिता में पूरे देश के जो कि टीम साथ साथ जो कि एक से बढ़कर एक जो कि टीम देखने को मिलेगी, लेकिन आज उससे पहले जो कि अच्छे अच्छे टीम और अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिखाई देते हुए, अंपायर का इशारा इनिंग की शुरुआत होने का, पहली गेंद इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को खेला, गुलू ने अपना खाता खोला एक रन के साथ से, 60 रन के जवाब में मेरे ख्याल से पावर प्ले में कुछ आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैच में। स्ट्राइक एंड पर तुषार सामना करते हुए अगली गेंद का, और इस बार रिवर्स स्विप का शॉट, और इस बार प्रवीण को गेंद बीट करते हुए, शायद कैच ले ले या फील्ड करे इसी प्रयास में, लेकिन गेंद ने उनको बीट किया और 2 रन का जो कि हिजापा स्कोर के खाते में, 2 रन तुषार के खाते में, 2 रन टीम के स्कोर के खाते में, डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम के, और टोटल बढ़ता हुआ 60 रन के जवाब में 3 रन बिना किसी नुकसान से। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे इस मैच को, क्योंकि शायद मंजिल उतनी आसान नहीं है 60 रन की। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार चकमा गए, बीट हुए उस गेंद पर, विकेट कीपर ने शायद जरूर स्टंप्स को बिखेर दिया, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित थे तुषार। एक बार फिर से सामना करते हुए अगली गेंद का, इस बार फिर से रिवर्स स्विप का प्रयास और एक जोरदार अपील, और इसके साथ ये पहला धक्का लगता हुआ डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम को, तुषार वापस पिछले मैच के हीरो। तुषार वापस और उनकी जगह पर नए बल्लेबाज मैदान पर, बीच में एक बड़ी साझेदारी बनानी पड़ेगी 60 रन के जवाब में इस मैच में, और अगर एक दो विकेट लेने में सफल रही धीरज नाइन क्रिकेट टीम तो शायद बिल्कुल हावी होगी इस मैच में, लेकिन उससे पहले एक साझेदारी बनानी पड़ेगी, एक 15-20 रन का ओवर बनाना पड़ेगा इस मैच में, और वो ओवर जब बनेगा मेरे ख्याल से अगर पहले 2 ओवर में तो शायद ये मुकाबला बिल्कुल अंतिम ओवर तक देखने को मिलेगा। नए बल्लेबाज मैदान पर, ओवर पिच गेंद, इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर अपने फॉलो थ्रो में, जब तक सिलेमिड ऑफ पर जाते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, एक रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन एक विकेट पर 60 रन के जवाब में, पहले ओवर का खेल जो कि समाप्त होता हुआ। पहला इनाम 1,11,111 रुपए का आकर्षक ट्रॉफी, दूसरा इनाम 55,555 आकर्षक ट्रॉफी, सेमी लूजर के लिए 22,222, इसके साथ और सारी ढेर जो कि इंडिविजुअल प्राइजेस बिल्कुल इस प्रतियोगिता में यूथ ऑफ कुंकोलिम स्पोर्ट्स क्लब द्वारा, और इसका निश्चित रूप से जो कि एक पूरा श्रेय इस जो कि प्रतियोगिता का जरूर देना पड़ेगा, जो कि प्रेसिडेंट मंजू श्रीवंत, उनके पूरे टीम मेंबर नितिन कालेकर, अजय नाइक, विपुल कालेकर, सुबोध सावंत, ये सब पूरी टीम को जरूर जो कि श्रेय देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी मेहनत इस प्रतियोगिता में, एक अच्छा आयोजन जो कि इस प्रतियोगिता में उनके द्वारा दिखाई देता हुआ। थोड़ी सी हवा में गेंद, लेकिन शायद मौका नहीं था विकेट कीपर के लिए,
एक रन स्कोर के खाते में स्कोर 5 रन एक विकेट पर। दोनों बल्लेबाज काफी प्रयास जरूर कर रहे हैं जो कि रन बटोरने में शॉट खेलने में, लेकिन सामने से बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रहे हैं। अगले गेंद इसी बीच में और स्टाम्प ने है गुलू लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। ओवर पेच गेंद बड़ी शॉट, इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव का लाजवाब शॉट लगा, बाउंड्री के फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन उतनी बढ़िया दौड़ विकेट के बीच में, 2 रन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, 7 रन एक विकेट पर स्कोर बोर्ड पर, टोटल 60 रन के जवाब में। शायद काफी दूर की बात जरूर है, लेकिन अगर बल्लेबाजी रही तो मुकाबला हो जाएगा मैदान पर। इस बार रिवर्स स्विप का प्रयास, गोलों का हल्का सा अपील स्क्वायर लेग के अंपायर की ओर देखते हुए, चूके थे गेंद के लाइन से पूरी तरह से गुली, लेकिन अच्छी किस्मत गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया था, विकेट कीपर ने कैच को लपका था। ओवर पिच गेंद, इस बार उठाया गेंद को थोड़ा सा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, काफी आगे गिरी गेंद और जब तक लगभग पहले दूसरे बाउंस के बाद गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल से मैच में कोई चिंता नहीं रहेगी धीरज 9 क्रिकेट टीम को। इस मैच को अगर जीतना हो तो भाई आपको बड़े चौके छक्के लगाने पड़ेंगे इस मैच में। इस बार फिर से मिस टाइम कर बैठे, यह मौका रहेगा और दूसरे प्रयास में कैच को तब्दील किया, दूसरे विकेट का पतन। लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज गुलू को कुछ करना पड़ेगा इस मैच में। फुल टॉस गेंद और बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद देखना होगा अंपायर का इशारा बाकी, 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ से मारे कैसे बाहर डीजे। लॉस ऑफ 1 विकेट, 14 रन एक विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल समाप्त। छियालीस रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, 18 गेंदों का खेल बाकी, गेंदबाजी में परिवर्तन और देखना होगा कि इन 18 गेंदों में 46 रन जो कि डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम बनाती है यानी, या उससे धीरज 9 क्रिकेट टीम जो कि उनको रोकती है। नए ओवर की तैयारी, दूर वाले चोर से सुंदर शॉट, इस बार विद अलोंग द कारपेट गेंद को खेला, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 15 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पे, 60 रन टोटल मैच को जीतने के लिए डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम को। पहले बल्लेबाजी की थी, 59 रन बना चुकी है धीरज 9 क्रिकेट टीम और गुलू स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और राइट हैंडर बल्लेबाज, ये कॉम्बिनेशन जब मैदान में रहता है तो फील्डिंग को बार बार जो कि बदलाव करना पड़ता है मैदान पर। और पिच गेंद, इस बार सुंदर शॉट बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, थ्रो शायद विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन
स्कोर के खाते में 16 रन पर बढ़ता हुआ टोटल स्कोर एक विकेट के नुकसान पे 16 लॉस ऑफ वन विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, शायद थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैच में। सुंदर शॉट इस बार बॉलर के पास से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, एक रन फिर से बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल से शायद थोड़ी चिंता नहीं रहेगी धीरज नयन क्रिकेट टीम को, लेकिन बीच में अगर एक दूसरा बड़ा शॉट लगा तो शायद मुकाबला फिर से जीवित होगा मैदान पर। वो शॉट लगाना पड़ेगा बहुत जल्द बल्लेबाजों को। ग्लू स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का सुंदर शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन उतनी चुस्ती इस फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में और एक रन जो कि पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद मैच होगा अमेजिंग और पॉलिटिक्स के बीच में। प्लीज दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के नीचे संपर्क करें। अमेजिंग वर्सेस पॉलिटिक्स, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। सुंदर शॉट इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फिर से एक रन स्कोर के खाते में। सिंगल से रन के साथ से धीरे धीरे स्कोर को जरूर बढ़ा दिया ये जोड़ी। 19 रन 19 लॉस ऑफ वन विकेट। तीसरा ओवर जो कि चलता हुआ, इसके बाद से दो ओवर का खेल बाकी। स्ट्राइक पर एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज गुलू सामना करते हुए अगली गेंद का इस बार स्टंप को कवर करके मारना चाहते थे, पूरी तरह से चूक के गेंद के लाइन से डॉट गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। और इसके साथ ये ओवर भी समाप्त होता हुआ तीसरा, तीन ओवर समाप्त और तीन ओवर समाप्ति के बाद 19 रन एक विकेट पर कंप्लीशन अपने थर्ड ओवर 19 लॉस ऑफ वन विकेट। इस मैच के बाद मैच हो रहा है अमेजिंग और पॉलिटिक्स के बीच में। प्लीज दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। अमेजिंग और पॉलिटिक्स। सवा एका गड्याच्या मोबदल्यात आणि मैदानातून कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने पंचांचा पॉवर प्लेचा इशारा होतोय। 12 चेंडूत 41वा सामना जिंकण्यासाठी डायनॅमिक युथ क्रिकेट संघाला 12 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता। यानंतर सामना होतोय तो अमेझिंग आणि पॉलिटिक्स या दोन संघादरम्यान। कृपया दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स समोर यायचं आहे। बारा चेंडू 41 धावा आणि बॅटिंग 40 पॉवर प्लेचं षटक। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड पर, लेकिन बिल्कुल पहले बाउंस के बाद प्रवीण और पापा जो कि गेंद के पीछे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब मात्र 40 रन की आवश्यकता और सिर्फ 11 गेंदों का खेल बाकी। 11 चेंडू तो 40 धावा। स्ट्राइकला येतोय तो डावखुरा फलंदाज गुलू सामना करतोय। पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम के कप्तान प्लीज टॉस के लिए संपर्क करें। यहां पर अमेजिंग क्रिकेट टीम के कप्तान उपलब्ध हो चुके हैं। पॉलिटिक्स कैप्टन आगे निकलकर थोड़ा सा स्टेप आउट होकर गुलू बड़े शॉट के लिए शायद निकले थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं कर पाए। डॉट गेंद निकली, 10 गेंदों का खेल बाकी और 40 रन मैच को जीतने के लिए डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम को। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बिल्कुल चौकरनी फील्डिंग। सिर्फ एक रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक बार फिर से तैयार अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर,
शॉर्ट गेंद, इस बार सुंदर शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। टू विकेट, 27 रन 2 विकेट पर। अगली गेंद इसी बीच में, इस बार ऑफ स्टंप पर यह गेंद, शायद खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से चुके, बिल्कुल ऑफ स्टंप को हवा डालकर निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 33 रनों की आवश्यकता अभी भी मैच में, शायद इस मैच के बाद अंतिम ओवर जो कि बाकी। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, इस बार देखना होगा मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन और ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 32 रन की आवश्यकता अभी भी मैच को जीतने के लिए और अंतिम ओवर का खेल बाकी। टीम कैप्टन पॉलिटिक्स, शॉर्ट गेंद, बल्ले से लगकर गेंद निकली विकेट के पीछे, भाई कोई नुकसान नहीं, 1 रन से कोई चिंता नहीं रहेगी मैच में, 5 गेंदों का खेल बाकी, 31 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, 5 गेंदों में 31 रन। अमेजिंग और पॉलिटिक्स के बीच में इस मैच के बाद तुरंत मुकाबला होगा। प्लीज दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीत लिया है और पहले वाइड बॉल का इशारा, 1 रन स्कोर के खाते में, 1 गेंद ज्यादा मिलेगी डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम को। अमेजिंग और पॉलिटिक्स के बीच में मैच और टॉस जीता है पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम ने। सुंदर शॉट, इस बार बढ़िया शॉट, बिल्कुल हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में, 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 31 रन, 31 लॉस ऑफ 1 विकेट, 29 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस बार धीमी फेंकी गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, 1 रन स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ 32 रन 2 विकेट पर, 28 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। ये गेंद फिर से दिशा में भटके अपने, लेग स्टंप से बाहर गेंद, शायद अंतिम ओवर में काफी जो कि लंबा ओवर दिखाई देता हुआ, लगातार 2 गेंदे डॉट, यानी मेरे ख्याल से अतिरिक्त रन जो कि अतिरिक्त गेंदे जो कि मिलेगी डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद, ये बिल्कुल ब्लॉक होल में, कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का, गेंद निकली फाइन लेग की तरफ, 22 का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, 1 रन फिर से जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में और बाएं हाथ के बल्लेबाज गुलू एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर, 34 रन 2 विकेट पर, 34 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, विकेट के पीकर जा पीकर के हाथों से निकलती हुई पीछे निकली 1 रन के लिए, 1 रन स्कोर के खाते में, 35 रन टोटल, 25 रन की आवश्यकता और शायद अंतिम ओवर के कुछ जो कि पल बाकी। अच्छा शॉट, इस बार ऑन साइड पर, बिल्कुल हवा में उड़ान पर कैच को तब्दील किया, 3रे विकेट का पतन डायनेमिक यूथ क्रिकेट टीम का। बस औपचारिकता बाकी इस मैच में, मेरे ख्याल से
जो कि 25 रन अभी भी बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। और इसके बाद तुरंत मैच अमेजिंग वर्सेस पॉलिटिक्स, टॉस जीता है पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम ने। भाई आपका फैसला होना चाहिए। फुल टॉस गेंद, इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर फाइन लेग की तरफ, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए, और इसी के साथ ये 21 रन के साथ से मैच को जीतती हुई धीरज 9 क्रिकेट टीम और पॉलिटिक्स क्रिकेट टीम जो कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर, तो बल्लेबाजी को मौका दिया अमेजिंग क्रिकेट टीम को। मैन ऑफ द मैच समर्थ सन्माननीय विपुल काणेकर यांच्या हस्ते सामनावीर या पुरस्काराचा मानकरी ठरतोय। तर समर्थ 23 धावांची खेळी करतोय। समर्थ सामनावीर या पुरस्कारासाठी आपली निवड होते 23 धावा आणि सन्माननीय आमचे विपुल काणेकर यांच्या हस्ते या ठिकाणी म्हणजे यापूर्वी टेनिस क्रिकेटमध्ये बऱ्यापैकी या ठिकाणी म्हणजे ज्यांनी योगदान दिलं होतं ते खेळाडू क्रिकेटचे विपुल यांच्या हस्ते या ठिकाणी सामनावीर हा पुरस्कार